आई भाई फैक्ट तो अच्छा है भैया गेमर। और आज हम डार्क चॉक वाला गेम प्ले कर हमारे भाई भाई डार्क चॉक मेरा फेवरेट पॉकेमॉन है यूनाइट में या नॉर्मली भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को इसे खेलने वाला। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो आज हम डार्क चॉक के साथ करने वाले हैं गेम प्ले। तक छोड़ डाला सब्सक्राइब का बटन एंड सीधे स्टार्ट करते हैं गेम प्ले से। तो गाइस बिल्ड मेरा हमेशा की तरह ज़्यादा चेंज नहीं है, स्कोर शील्ड और हमारा ये एक्सपी शेयर और थर्ड हमें मैंने वीकनेस पॉलिसी ली है। वैसे मैं वीकनेस पॉलिसी या मतलब मैं दोनों ही यूज कर सकता हूँ, वैसे मेरी मदद है वो आप भी ट्राई कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के साथ बहुत अच्छा लगता है मेरे को गार्जन किसी बिल्ड के साथ और मसल बैंक भी अगर निकालता तो चले। सो गाइस सीधा गेम प्ले चालू करते हैं। मैं भाई ऐसे फ्रेंड वीडियो भेजना बहुत पसंद करता हूँ, मज़ा आता है जैसे टाइम पास करने में। सो सीधा स्टार्ट करते हैं। क्यूट सब गिबल कब बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता। गाइस मैंने लिया है बिल्डोज, बिल्डोज बहुत तगड़ा टैग है। ये हमारा इंटरनेट स्पेशलिटी है गाइस की समझ गए ना भाई, समझ गए तो क्यों इतना आपके भाई की इज्जत क्यों उड़ानी। अरे भाई स्कोर बनी, अरे गार्चॉम को भाई ले रहे दो ना, फार्म गार्चॉम के लिए ही रहता है क्योंकि गार्चॉम इजीली इवॉल्व नहीं होता, मतलब इजीली मतलब उसको बहुत डैमेज देना पड़ता है, बहुत मतलब फिर रहता है भाई डैमेज और वो सब देना पड़ता है। और ये किल चोर हो गया हमारा गाइस, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग ये देखो। राउलेट भी आ गया, राउलेट जैसे बहुत अच्छा बहुत अब ट्राई कर रहा मैं कल मैं नहीं परसों जैसी जो है कि वीडियो डाल दूँगा। सो गाइस अब हम जाएंगे उधर, ये चीज़ें ही फार्म करनी है अब दूसरों की टीम का सोच तो रहा हूँ पर मेरे को लग नहीं रहा कि होगा। इस वजह से सीधा भाग भाग के हम हमारे फार्म में लौट गए फिर एक बार। चलो चलो भाई सीधा चलते हैं भाई, आपका गिबल भाग भाग के कितना भागेगा भाई। स्कोर करने जा रहा हूँ मैं भाई, तुम लोग ने स्कोर शील्ड कभी देखी है नहीं ना भाई, पता है स्कोर शील्ड देख नहीं पाते इसकी वजह तुम लोग को नहीं पता पावर ऑफ स्कोर। और गिबल की एचपी बहुत ज़्यादा रहती है अगर आपने कभी देखा है तो। मैं एक दो को उड़ाने की कोशिश करता हूँ, मधुमक्खी जा जा जा। अच्छा ये अपनी गेम की है, ये बहुत अच्छा हुआ। और स्टीनी है इसका नाम, ये पता है भाई स्टीनी है। और छः का गोलवेरी, अब मैं इधर से उनकी बैरी उठाऊंगा, बैरी उठ के भागेंगे हम लोग। पर लुकारियो आ गया है, लुकारियो ने पावर अप पंच मार दिया पर हम भागेंगे और मैं उसको मारने की फुल कोशिश करूँगा जिसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि गार्चम का अटैक पावर ज़्यादा रहता है और वीकनेस पॉलिसी की वजह से तुम्हारा तो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड हियर वी गो लुकारियो ओवर, नॉक का गोल मार देंगे उससे पहले। चलो एक और एपॉम खा जाता हूँ मैं, एपॉम बहुत उगती है भाई, खा जाओ बहुत ईजीली मरता है। और एकदम एपॉम भी, अब हम जरा एक बैरी खा लेते हैं, बैरी खाते रहना चाहिए, दो बैरी खाएंगे हम। और सीधा स्टीनी के पास जाएंगे, स्टीनी कितनों को मारेगी भाई। मैं इसको चोरी कर लिया, नहीं कर पाया ठीक है, अच्छा हो गया चोरी। चलो उगती और आईविस और बीनस और जो भी, सॉरी आईविस और बीनस और नहीं, ये इसका भाई ये जो अटैक है ना भाई, मैं देखो कहाँ मैं खुद भी मर रहा हूँ और दूसरों को भी मरने दे रहा हूँ। ये देखो मेरे को दिख रहा है तो भी मैं इधर नहीं जाऊँगा। और सीधा गया मारा भाई, मार के रहेंगे पर वो लुकारियो ऊपर से चालाकी करते हुए उसके पास ऐसे ज़्यादा गोल तो था नहीं जो हमें मतलब रोक पाएगा, हम भी रोक नहीं पाएंगे, तुम भी रोक ना पाओ, ये होगा सीन कुछ वैसा ही था। और ये भाई मर मर यार, इंटरनेट जरा मेरा पता है ना आपको गाइस, ज़्यादा बातें इंटरनेट के ऊपर ना करते हुए हम सीधा गेम प्ले पे करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इस बार आईविसॉर को सीट लेने की साइड जो नहीं हो पाई, और हम फिर एक बार ऑडिनो को चोरी करने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश थी ये पर हमें मिल गया, मतलब काम की कोशिश बोल सकते हो, नाकाम नहीं। मेरे को भाई गार्चॉम जैसे लेवल 8 पे इवॉल्व हो गया भाई, मज़ा ही मज़ा है। अब हर बंदा फिर गार्चॉम के नाम लेता है भाई, गार्चॉम ठीक है गार्चॉम भाई बहुत तगड़ा लगता है मेरे को। मैं ये लोग को इस साइड घसीट लिया, अरे गाइस ये लोग की एचपी बहुत कम थी पर बहुत कम एचपी के बावजूद बावजूद भी हमारे अब हमारा गार्चॉम बन चुका है रियलिस्टिक गार्चॉम गिबल से गार्चॉम का सफ़र। अब देखो ये लुकारियो ने क्या मजाक समझ के रखा है भाई, तुमने देखो डर रहा है वो जानता है भाई गार्चॉम का डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है। मैं रेडी हूँ, कोई भी आ जाए मेरे सामने मैं उसको उड़ा दूंगा भाई, आपका भाई बहुत पीरो लेजेंड है भाई।
टेंशन ही नहीं। वो कितना 400-400 का एक शॉट पे लगता है, तू भी 3-4 डैमेज साथ में लगते हैं गाइस। क्या मजा आता है ये गार्चोंप में, और उसका लिविड आउट रेंज मतलब यूनाइट में, वाह 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 भाई। फिर कोई आएगा ही नहीं आपके सामने, देखना मैं अभी कर तू क्या कर तू क्या कर ही देते है ना। और ये बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा और मैं अफसोस नहीं मार पाया क्योंकि इसने मेरी खाली। लेकिन हमारे पास अभी एक और मौका है और हम फिर एक बार हमारी नाकाम कोशिश करने के बावजूद हम उसने ड्रॉप किक का इस्तेमाल किया और हमने तो कैसे किल चोरी किया। आई भी सौर बच बच के जाने की कोशिश करते हुए और हम सीधा इसके ऊपर अटैक करते हुए, जो कि चांसेस ज़्यादा है कि मैं जीत जाऊँ। उसको बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा है और अब हम क्या कर पाएंगे किल। एंड वी गो भाई, हमने बहुत कम एचपी में किल किए भाई। इस बात पे ठोक डालो सब्सक्राइब का बटन। अब कॉर्फिश को भी मार दूंगा भाई, कॉर्फिश और वो सब को मारने से कुछ एचपी मिल जाती है फ्री में, तो हम वही ले लेते। और गाइस क्या मैं ले पाऊंगा, और गाइस क्या लगता है कि मैं ले पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं मर गया। मुझे पता था क्योंकि मैं वो लोग के अड्डे में घुस गया और मेरी एचपी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। सो ये वो आगे चलते हैं, मतलब भागते हैं ड्रैगन रश के साथ। ड्रैगन रश जो रियलिस्टिक लगता है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है। ड्रैगन रश अटैक का नाम कितना मस्त लगता है, घसीट के ले जाता है लिटरली। ड्यूराल है, उसको भी ये घसीट लेता है कभी कभार, और ना इसकी वजह से हो जाता है। और मैं उसको ये तो ख़त्म, सरीना अच्छा उसने मारा मुझे, सरीना ने ना उसको मारा, मतलब सरीना को गलत मतलब मत निकालना। सरीना ये है, ये मतलब आप समझ जाओ ना गाइस। अब भाई किल मेरे को चाहिए ये भाई, ये क्या मजाक है यार, कैसे निकल जाते हैं। मैं इसको मार, मैं रोटॉम तो ले लूँगा, रोटॉम से मैं नहीं डरता भाई। रोटॉम को तो देखो गाइस कितना इजीली 500-500 का ऐसे एक एक शॉट में डैमेज था। ये है भाई गार्चोंप अपना गाइस, सीधा हमें टीम ये शील्ड भी मिली, मज़ा आया। अब आना सामने पूरी टीम को उड़ा दूंगा भाई, जो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है भाई। वो बहुत ये बहुत AFK होते हैं गाइस, मेरे को AFK से अब कंटाला आ चुका है। AFK रहते हैं। अब देखो मैं इस ऑडिनो को ले ही लूँगा, ऑडिनो को तो कोई भी ले लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑडिनो तो ले लिया और हमें अच्छा से गोल भी मार देंगे और सब ने मारे गोल, और ये पूरा गोल खत्म खाली। आपके भाई ने तो नहीं किया पर पूरी टीम ने मिलके, और ये घाई बहुत गंदी वाली लगने वाले ये लोग को, बिजली टफ हमारे बिजली टफ बोलो, और बिजली टफ ने शायद पोशन यूज़ किया, स्प्रे बच गई तो हम ले ही लेते कैसे भी करके। सो हमने कॉर्फिश को तो मिल जाएगा, कॉर्फिश को मिल गया गो, और 12 का गोल क्या बोल रहा हूँ गाइस, भाग भाग के मैं उस साइड जाके गोल करूँगा, दिमाग चला लूँगा ज़रा, दिमाग चलाने में क्या जा रहा है भाई। देखो क्या गंदा डैमेज है, ये देखो ये फेरी टाइप मूव है ना, ये ज़रा कभी कभार के भारी पड़ जाते हैं, वो कोई अफसोस की बात नहीं है। ये देखो पर मैं कोशिश करूँगा ठीक से अपना ये चला ली, समझ जाओ यूनाइट एंड, और उसका गोल, और हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे, भागने की नाकाम कोशिश हम अब बंद कर चुके हैं। और ये लुकारियों को, लुकारियों ने भी की यूनाइट में चला लिया और हम छी का गोल कैसे कर लेंगे। एंड ये भी वो अभी मैं तीनों को संभाल पाऊंगा कि नहीं, डैमेज दे दूंगा बहुत अच्छा खासा, और गाइस क्या मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा और इसकी बात है। अब 2 मिनट है, मतलब डार्कनेस हमारे पास आना चाहिए। मैंने सीधा कट करा था क्योंकि वो आपको इतना टाइम पास क्यों करवाना है सीधा ले चलते। गाइस हमने उनके 3 गोल तबाह किए, वो लोग ने हमारा खाली 1। क्या लगता है गाइस, ये मेरा बस इंटरनेट ख़राब है वो अलग बात है। ये देखो मैं, मेरे को मैंने यूनाइट में कुछ समझ नहीं आता, फायर टाइप मूव ग्राउंड पे नहीं चलते, फायर टाइप मूव ग्राउंड पे नहीं चलते तो भी फायर बर्न हो जाता है हम लोग। दूसरा है फायर और इलेक्ट्रिक टाइप मूव तो बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी ये हो जाती है चली जाती है। नहीं इधर तो यूनाइट मूव में इतना गंदा वाला पीका चुका डैमेज पड़ता है, मैं कंटाल जाता हूँ। क्या है ये, कौन सा मजाक है भाई, पोकेमोन वालों मैं कंटाल गया, मतलब भाई समझ जा करो भाई, कितना दिल से बुरा लगता है भाई। और मैं एक को तो लेने की नाकाम कोशिश कर ही सकता हूँ, जो कि दोनों लग रहे चोरी हो गए। ये सरीना बहुत मैं इसकी, अरे भाई आपका स्वागत तो करना ही था, आप क्यों इधर आए थे जरा वो बताएंगे। अरे पर कोई शॉट खाया उसने,
ड्रैगन रश बहुत काम का अटैक है भाई, ये पक्का है। ड्रैगन रश के सामने अटक जाओगे मतलब हार जाओगे। एंड हियर वी गो, 14 लेवल का हो चुका हूँ मैं, और 4 का गोल तो कोई भी मार देगा और हम मरने वाले हैं। मेरे को ये पक्का है क्योंकि बीच का मैंने 20 सेकेंड बचे और हम मरने वाले थे। सीधा मैं फाइनल रिजल्ट की ओर लेके जाऊँगा और मुझे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए काम था जो मैं दिखाई दे भाई दिखाई देता हूँ ना कि मरा कैसे हूँ, कुछ भी क्या हुआ है सब दिखा दिया। अब फाइनल रिजल्ट की ओर आ जाते हैं। ज़रा इंटरनेट हमारा ख़राब चल रहा है भाई, पता है बहुत अच्छा खासा मार्जिन तो नहीं था, पर देखो भाई अच्छा चीज़ है। सरीना ने बहुत किल चोरी की, ये गलती उसकी है। और आज के लिए इतना ही, चल देन माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, ठोक डालना पहले का गेम प्ले इसलिए, एंड पीस आउट।